हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। नाम की जगह सर्वनाम। तो सर्वनाम से तात्पर्य या सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, हमने सर्वनाम के पहले क्या पढ़ा था? संज्ञा शब्द पढ़े थे। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और उनकी जगह पर, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की जगह पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? मैं, हम, वह, उसका, हमने, मेरा आदि और भी कई शब्द होते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। उदाहरण देखिए, यहाँ पर अनिल डॉक्टर है। अनिल डॉक्टर है। अनिल मरीजों का इलाज कर रहा है। अनिल का स्वभाव बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर अनिल शब्द बार बार आ रहा है, तो हम उसकी जगह पर, यहाँ अनिल की जगह पर हम लिखेंगे वह। यहाँ अनिल की जगह हम लिखेंगे उसका। अब देखिए वाक्य में किस प्रकार से चेंज आता है। अनिल डॉक्टर है, वह मरीजों का इलाज कर रहा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। यहाँ हमने क्या किया? बार बार वही नाम आने की जगह हमने कौन से शब्द प्रयोग में लिए हैं? वह, उसका, और ये कौन से शब्द हैं? सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सरल व सुंदर बन जाती है और हमें उनको पढ़ने में आसानी होती है और सरलता होती है। तो वह क्या होते हैं? जो हमें सरलता से प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद।